संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है, जिसमें जीवा जीवाधिकार के सारांश को अभी तक अपन ने समझा कि जितने भी वर्णादि और रागादि भाव हैं, उन सभी भावों में ये मैं हूं या ये मेरे हैं, ऐसे एकत्व और ममत्व का निषेध इस जीवाजीवाधिकार में किया गया है। और ये भी पहले कहा है कि कर्ता कर्म अधिकार में, जिसकी चर्चा अपन को अभी करनी है, ये कहा है कि मैं इनका कर्ता हूं, मैं भोक्ता हूं, ऐसी मान्यता का निषेध कर्ता कर्म अधिकार में किया गया है। अज्ञानी की परिभाषा जीवाजीवाधिकार की 19वीं गाथा में दी है, और ज्ञानी की परिभाषा कर्ता कर्म अधिकार की 75वीं गाथा में दी है। यदि हम इन दोनों गाथाओं को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आती है। दोनों गाथाएं इस प्रकार हैं, तम्मे नोकम मम्मी अहमिद महकम च कम्मे नोकम्मम जाए सा खलु बुद्धि अपडि बुद्धो हवदि तावे। ये 19वीं गाथा है और 75वीं गाथा है, कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य च तहेव परिणामम न करेय एव मादा जो जानदि सो हवदि राणी। क्या अंतर है इन दोनों में? अज्ञानी की परिभाषा में वो कहते हैं कर्म में और नो कर्म में। कम्मे नो कम्मी, तो कर्म माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म इन दोनों में, और नो कर्म माने शरीर आदि, यानी वो 29 प्रकार के भाव इसमें आ गए, वर्णादि और रागादि आ गए। कर्म में और नो कर्म में जब तक ऐसी बुद्धि रहती है, कैसी, कि ये मैं हूं अथवा ये मेरे हैं, अथवा मैं इनका हूं और ये मैं हूं, ऐसी बुद्धि जब तक रहती है तब तक यह आत्मा अज्ञानी रहता है। फिर इसी बात को 20वीं 21वीं 22वीं गाथा में और विस्तार से समझाया है कि ऐसी बुद्धि जब तक रहती है तब तक जीव अज्ञानी रहता है। तो इसमें अज्ञानी की परिभाषा में एकत्व और ममत्व बुद्धि को ही पकड़ा है ना? कम्मे नो कम्मी अहमिद महकम, ये आम इदि माने ए मैं हूं, और महकम माने ए मेरे हैं, दो ही बातें नहीं है। अहमिद महकम से कम्मे नो कम्मम, अथवा उल्टा भी लगा दें कि मैं कर्म का हूं, मैं कर्म रूप हूं, माने चाहे इस तरफ से लगाएं कि कर्म मेरे हैं, चाहे इस तरफ से लगाएं कि मैं कर्म का हूं, ये दोनों ही ममत्व बुद्धि हो गई ना। ऐसे ही चाहे कर्म में अहम बुद्धि करें और चाहे समझ लीजिए कि अपने में कर्म बुद्धि करें, तो ये अहम बुद्धि हो गई दो ही तरफ से, और वो ममत्व बुद्धि हो गई दो ही तरफ से। तो जब तक ये रहता है तब तक अज्ञानी रहता है। यहां कर्ता कर्म की बात नहीं करी, ऐसा नहीं कहा कि जब तक इनका कर्ता अपने को मानता है तब तक अज्ञानी रहता है। इससे बात सिद्ध होती है कि जीवाजीवाधिकार में इन दो ही बातों की बात करते हैं, अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि का निषेध करने के लिए जीवाजीवाधिकार में है। अब कर्ता कर्म अधिकार की गाथा अपन जो 75 में ज्ञानी की देखी थी, उसमें लिखा है कम्मस्य परिणामम, कि कर्म के परिणाम को, कर्म का परिणाम वही ज्ञान वर्णादि और मोह राग द्वेष के भाव आ गया, देव कर्म और भाव कर्म। और नो कम्मस्य तहैव परिणामम, और नो कर्म माने वही शरीर आदि आ गए, वर्णादि आ गए, इनके परिणाम को ना करेद एव मादा,
ये आत्मा नहीं करता है, जो जान भी ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी है। अर्थात जो करता नहीं है मात्र जानता है वो ज्ञानी है। तो यहां ये नहीं कहा कि कर्म अनुकर्म के परिणाम में वो अहम बुद्धि करता है कि उन्हें अपना मानता है। यहां ये कहा कि उसके परिणाम को का जो कर्ता स्वयं बनता है वो अज्ञानी है, और जो कर्ता नहीं बनता है उनके नहीं करता है वो ज्ञानी है। तो एक कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व संबंधी और भोक्तृत्व संबंधी भूल दूर की जाती है, इसलिए यहां ज्ञानी की चर्चा करते वक्त कर्तृत्व की बात की है, और वहां जीवाधिकार होने से अज्ञानी की चर्चा करते वक्त एकत्व महत्व बुद्धि की बात की है। यदि हम ये अंतर नहीं होता तो यदि वहां ये कहा था कि कर्म में और नो कर्म में जो ऐसा मानता है कि ये मेरे हैं मैं इनका हूं वो अज्ञानी है, तो ज्ञानी की परिभाषा में यहां कह देते कि जो कर्म और कर्म में जो ऐसा मानता है कि ये मैं नहीं हूं है ना वो ज्ञानी है। लेकिन वैसा नहीं कहा, यहां करने की बात की। तो जीवाधिकार में और कर्ता कर्म अधिकार में जिनसे भिन्न जानना है वे पदार्थ तो बोई के बोई है 29 प्रकार के, जिन्हें हम वर्णादि और रागादि में विभाजित करते हैं, लेकिन वहां उनके में एकत्व और ममत्व को तोड़ा है और यहां उनमें से कर्तृत्व और भोक्तृत्व को तोड़ा है। क्यों ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि ये जगत जब भी पर पदार्थों से अपना संबंध जोड़ता है तो वो संबंध जोड़ने का जो कि इसकी विधि होती है वो चार प्रकार से होती है। या तो वो ये कहता है कि ये मैं ही हूं, या वो ये कहता है कि ये मेरे हैं, या वो ये कहता है कि मैं इनका करता हूं, या वो ये कहता है कि मैं इनका भोगता हूं। तो आचार्य कहते हैं कि वस्तु स्थिति तो ये है निश्चय न ऐसे कि नास्ति सर्वोपि संबंधो पर द्रव्यात्म तत्त्वयो, पर द्रव्य में और आत्मा में नास्ति सर्वोपि संबंधो, सभी प्रकार के संबंध नहीं है। ये आगे है 199 में 200 कलश में चर्चा है इसकी, आगे देखेंगे समय सार में आएगा कि आत्मा में और परद्रव्य में कोई भी संबंध नहीं है। तो कोई भी संबंध नहीं है माने क्या, कौन सा संबंध? साले बहनोई का, मामा भांजे का, बाप बेटे का, ये तो दुनियादारी के संबंध हैं। यहां तो कहते हैं कि ये मेरी स्वा है और मैं इसका स्वामी हूं। स्वा माने संपत्ति, ये मेरी संपत्ति है और मैं इसका स्वामी हूं, इसको बोलते हैं स्वस्वामी संबंध, अथवा स्वामित्व बुद्धि जिसे अपन ने कहा था। और ये मेरा कर्म है और मैं इसका करता हूं, मेरा कर्म माने यहां कार्य, ये मेरा कार्य है और मैं इसका करता हूं, इसको बोलते हैं कर्ता कर्म संबंध है। ये मेरा भोग है और मैं इसका भोगता हूं, इसको बोलते हैं भोगता भोग संबंध। और अहम बुद्धि में तो संबंध की बात ही नहीं है, वो तो यही कहता कि ये मैं ही हूं। ये तो इन तीन प्रकार के संबंधों से भी ज्यादा मजबूत काम है। तो ये कहेगा ये मेरा बेटा है, ऐसी कहेगा नहीं ये बेटा नहीं ये मैं ही हूं, ऐसा समझना ये मैं ही हूं, तो कितना फर्क है दोनों में, ऐसा कोई कहता होगा? क्यों अपना बेटे में ये मैं ही हूं ऐसा कहता होगा, ऐसा कोई मानता होगा? और नहीं मानता है तो बेकार में इस बात को यहां क्यों रखा था, जरूरत क्या थी? देखो कहते हैं, देखो सीधे नहीं कहेंगे लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहते हैं, आपके यहां शादी है और आपने कहा कि पंडित साहब आपको जरूर जरूर आना पड़ेगा। मैं कहा हां आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, अवश्य आऊंगा, मैं नहीं आ पाया तो मैं अपने लड़के परमात्मा को भेजूंगा,
क्या? नहीं नहीं साहब, ये नहीं चलेगा। परमात्म तो आएगा ही, आपको भी आना पड़ेगा। इस शब्द भाषा में बात होती है। ऐसा नहीं कहते कि वो नहीं आवे, आप आना। कैसे कहें कि उसे मत भेजना कि नहीं जाना? नहीं नहीं, वो तो आएगा ही, क्यों? इसे उसका आना तो मुफ्त में ही है, लेकिन आपको अवश्य आना पड़ेगा। आप पधारोगे तो शोभा होगी। क्या अर्थ है इसका? कि उसके पधारने से शोभा नहीं होगी। है ना? तो हम समझते हैं कि ये उपेक्षा के, वो कह रहा है कि उसके आने से आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, ये आप समझ लेना। समझे ना? तो ये मेरे बेटे की कीमत कम कर रहा है। तो मैं कहता हूं, देखो भाई साहब, वो परमात्म आया तो तुम ये समझना कि मैं ही आया हूं। बोलो, हो गई ना आम बुद्धि? वो और मैं एक ही तो है, क्या फर्क है? बोलते कि नहीं बोलते? तो इस तरह से हम उसमें एकत्व बुद्धि करते हैं, डायरेक्ट भले ही नहीं कहें। गोरमल जी ने और दूसरा उदाहरण दिया है, उनने ऐसा दिया, बेटा रहेगा तो मानो मैं ही रहा, और जिसके पुत्र नहीं होता है, संतान नहीं होती ना, कई लोग ऐसे होते हैं, महाभाग्य से उनके संतान नहीं हो, ऐसे भी लोग होते हैं ना। क्या बात करते हो, महाभाग्य से बोलते हो आप? हम तो ये समझते हैं कि संतान नहीं होना अभाग्य का काम है। क्यों? भाग्य का काम है कि अभाग्य का काम है? अरे मरते दम तक तेरे को निश्चिंत नहीं होना है, तो ऐसा विकल्प कर, और मरने के बाद भी कि मैं मर जाऊंगा तब ना मालूम इसका क्या होगा, ये विकल्प रखना है तो संतान की बात कर। ये तो अपने अपने अंदर फीलिंग की बात है, क्या कि पुण्य के उदय से होती है कि पुण्य के उदय से नहीं होती है? क्यों? सर, इस विषय पे अपन अभी ज्यादा विवाद नहीं करते हैं, लेकिन वो नहीं होती है तो ऐसा समझता है कि मेरा नाश हो जाएगा, और होती है तो समझता है मेरा मर जाने के बाद भी नाश होने वाला नहीं है। इसका मतलब उसने बेटे में अपने अस्तित्व को माना क्या नहीं माना, इसको बोलते एकत्व बुद्धि। समझिए ना, यानी संतान है तो मैं बहुत काल तक रहूंगा, क्यों? उसके बेटे में, उसके बेटे के बेटे के बेटे के रूप में। और यदि मेरी संतान नहीं है तो अपनी आंखें बंद हुई और अपना नाश। ऐसा मानता क्या नहीं मानता? इसे बोलते बेटे में एकत्व बुद्धि। तो ये जो चार प्रकार की बात अपन ने करी ना, एकत्व बुद्धि तो कोई संबंध ही नहीं है, अपनत्व ही है, और स्वामित्व बुद्धि, स्वामी स्वस्वामी संबंध, कर्ता कर्म संबंध और भोक्ता भोग संबंध। तो इस कलश में कहा है कि नास्ति सर्वोपि संबंधो पर द्रव्यात्म तत्वयो, कि पर द्रव्य में और आत्म तत्व में कोई भी संबंध नहीं है, है? अब ये इसने परद्रव्य के साथ में चारों प्रकार के संबंध जोड़ रखे हैं अज्ञानी ने अनादिकाल से। गोरमजी ने तो ऐसा लिखा बहुत गजब, इस कभी कहता है कि ये मैं हूं, और कभी कहता है कि ये मेरे हैं। ऐसी इसके एक भ्रम बुद्धि पैदा होती है, सरकार कहने ये मैं हूं इसका नाम अहम बुद्धि, ये मेरे हैं इसका नाम ममत्व बुद्धि, और ये मेरे हैं या ये मैं हूं इसमें निर्णय नहीं कर पाना, इसका नाम है भ्रम बुद्धि। एक नई लिखी भ्रम बुद्धि। ऐसा पागल की भांति प्रलाप करता है, कभी कहता है कि ये मैं हूं, पुत्रादिक जिंदा रहेंगे तो मैं ही जिंदा रहा, नाम रहेगा तो मैं ही रहा, और कभी कहता है कि ये मेरे हैं, ऐसा कोई ठिकाना नहीं, ऐसा लगा कोई निर्णय तो नहीं पहुंचा है कि ये मैं हूं कि मेरे हैं। जब जीवाधिकार में खूब तर्क और युक्तियां दे देकर इस बात को समझाया कि भैया ना तुम हो ये और ना ये तुम्हारे हैं, कोई ना किसी का, हम ना किसी के,
क्यों? ऐसा इसे समझाया और इसे तर्क और युक्तियों से बात समझाई तो इसकी समझ में भी आ गई कि तेरे असंख्यात प्रदेश अलग हैं और तेरे पुत्र के आत्मा के असंख्यात प्रदेश अलग हैं, तेरे अनंत गुण अलग हैं और तेरे पुत्र के अनंत गुण अलग हैं। ये तो हैं, लेकिन तेरा पुण्य पाप तेरे साथ है, तेरा अलग है और उसका पुण्य पाप उसके साथ उसका अलग है। क्योंकि थोड़ा मैं पुण्य अपना उसे दे दूंगा तो धोखे में मत रहना। और ये मत समझना कि तेरे पुण्य का वो खा रहा है, कोई किसी के पुण्य का नहीं खाता है, ख्याल में ना। ऐसा लोग बहुत समझते हैं कि सब एक पापी बैठा था तो उसने नाव डुबा दी और सैकड़ों आदमी मर गए। ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है? मैं पूछता हूं कि एक तो उसमें पापी था 100 आदमियों में, तो बाकी 99 कैसे थे? मैंने पापी नहीं थे, ऐसा ही हुआ ना उसका अर्थ। एक को पापी आप कह रहे और उसकी वजह से सारी नाव डूब गई, तो बाकी 99 पापी नहीं थे ना। तो जो बाकी 99 जो पापी नहीं थे वो एक पापी को नहीं तार सके, फिर भी तर जाते। इसका मतलब पापी जोरदार होता है, बता के नहीं, मतलब बोलिए। और वही गए, एक धर्मात्मा ने सबको पार लगा दिया तो बाकी क्या धर्मात्मा हुए? कोई भी नहीं, सब अपने अपने कारण होते हैं, कोई किसी दूसरे के कारण नहीं होता है, कोई दूसरे के भले बुरे का कर्ता रंत मात्र नहीं है। अब इस बात को कर्ता कर्म अधिकार में विस्तार से समझाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये बात जब इसे जीवाजीवाधिकार में खूब तर्क युक्ति से समझाई कि जगत में तेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर और कुछ भी तू नहीं है, वही तू है और तेरा भी कोई नहीं है, और इसके क्षेत्रम ज्ञान में बात आ भी गई, यानी समझ में बैठ गई कि ये बात जो कह रहे हैं वो सत्य है। अब जरा देखना, समझ में तो बैठ गई लेकिन श्रद्धा में नहीं बैठी, क्योंकि अंदर में उनके प्रति जो अनादिकाल से एकत्व का अभ्यास है, अनादिकाल से उनके में जो एकत्व का अभ्यास है, वो एकत्व का अभ्यास उसे ये मानने नहीं देता। जानना अलग बात है और मानना अलग बात है। दो मित्र थे, एक का नाम सुरेश था, एक का नाम रमेश। लंगोटिया यार थे, एक क्लास में पढ़े, एक साथ रहे, खाए पिए खेले। अब भाग से एक की लड़की थी और एक का लड़का। क्यों? दोनों बेबी सुंदर थे, एक दूसरे को चाहते थे, तो उन्होंने आपस में उन लड़का लड़की की शादी संबंध कर दिया। क्यों? अब जब शादी संबंध होने के बाद में लड़के का बाप लड़की के बाप के यहां आया तो उन्होंने कहा, ए सुरेश चाय पिएगा? तो उसकी पत्नी बोली, अब विवाही हो गए हैं, अरे सुरेश सुरेश मत बोलो, अब ढंग से बात करो, क्यों? मैं कुछ नहीं जानता। तो तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें मूर्ख बनाते हो। जब तुम्हारी बड़ी बेटी के ससुराल आते हैं तब तुम कैसे पूछ हिला हिला के आगे पीछे डोलते हो और साहेजी साहब ब्याई साहब ब्याई साहब करते फिरते हो, क्यों? और तुम कहते मैं कुछ नहीं जानता। अरे जैसे वे बड़ी लड़के के ससुरा हैं, ऐसी जो छोटी लड़की के ससुरा हैं, तो इनसे भी वैसा ही करो ना। तुम कहते मैं कुछ नहीं जानता, इतना नहीं जानते, क्या फर्क है इन दोनों में? तो मेरे से तो ये नहीं होगा, चाहे संबंध हो और चाहे नहीं। अब सारी जिंदगी से सुरेश सुरेश किया है और तुम अब विवाही भी कह रहा हो, मेरे से नहीं होगा। मेरा तो यार पहले है, दोस्त पहले है और विवाही बाद में। बोलते कि नहीं बोलते अपन? क्यों ये पिएगा चाय कि नहीं पिएगा, बोल कि तेरे को विवाही बनना है। यदि तेरे को कल से विवाही के नखरे करना हो तो मेरे को तेरे यहां संबंध ही नहीं करना। दोस्त, मैं एक दोस्त को खोना नहीं चाहता हूं। कि तुम्हें हो क्या गया है?
कि देख मैं क्या करूं, मेरे समझ में सब आता है, मैं भी सैनी पंचेंद्री हूं, लेकिन मेरे को ये लगता ही नहीं है कि ये सुरेश भी दिवाई है। ये तो मेरे को दोस्त जैसा ही लगता है, लंगोटिया यार जैसा ही लगता है। तो अंदर से लगना अलग बात है और ज्ञान में जानना अलग बात है। ऐसे ही आत्मा ने जो जान लिया ज्ञान में, शास्त्र से पढ़कर गुरु के मुख से, कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद शरीर ये सब ना मैं हूं ना मेरा है, फिर भी उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मेरे नहीं है। इसका नाम है कि वो जानता तो है पर मानता नहीं, समझे ना। अंदर के हृदय के किसी कोने में उसका उसके प्रति जो आकर्षण है वो कायम है और वो इस बात को उसे स्वीकार नहीं करने देता है। तो स्वीकार तो किया है भरी सभा में कि हाँ हमने मान लिया कि मेरे नहीं है, तो वो तो आगम के आधार से, आगम के तर्कों की फटकार से कि सोते पड़े ना, उससे मान लिया है, समझे ना। वो तो बहस से मान लिया है, शास्त्र में लिखी बताएं तो अब मैं कैसे कहूंगा ये झूठी होगी, और तर्क युक्ति से सिद्ध कर दिया तो अब मैं कैसे बताऊंगा ये बात झूठी होगी, ऐसे माना है। अभी उसका दिल उस बात को मानने के लिए तैयार, तब ऐसा होता है तो क्या करता है कि वो रास्ते निकालता है। कैसे रास्ते निकालता है कि पत्नी कहती है कि देखो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे मैं तेरे से पूछता हूं कि ये विवाही तो कल बना है, मेरा दोस्त तो जब हम नंगे खेलते तब का है ना, बोल कि दोस्त तो मेरा 25 साल पुराना है कोमल सिंधी, और विवाहित होकर तो 25 दिन भी नहीं हुए हैं, तू तो मेरा माथा खाती है। तो वो किसी ना किसी तरकीब से कि देख मैं तो पुराना संबंध ही मानूंगा, नया संबंध में स्वीकार करूंगा ही नहीं, इस तरकीब से वो वहीं का वहीं पहुंचता है। अब इसको पर से संबंध तो रखना है, और जीवा जीवाधिकार में ये बात डंके की चोट सिद्ध कर दी, साबित कर दी। कौन सी बात, कि ये तू नहीं है ये तेरे नहीं है, तो वो कहता है ये बात ठीक है मैंने मान ली, लेकिन आखिर सारा काम इसका करता तो मैं ही हूं। ए बेटा मैं नहीं हूं मेरा नहीं है सब मान लिया, लेकिन 9 महीना पेट में रखा है, 18 महीना गोद में रखा है, नंगा खिलाया है, एक एक अक्षर मैंने सिखाया है, इसको अपने हाथ से मैंने सब कुछ किया है ना, इसको तुम क्या कहोगे बोलो। इसलिए चलो एकत्व ममत्व की बात जाने दो, लेकिन मैं इसका करता तो हूं ही, और जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरी सेवा नहीं करेगा, करेगा तो भोगता भी हूं मैंने इसका, इसका सुख दुख भी मेरे को प्राप्त होगा, ख्याल में आए ना। इसलिए मैं इसका कर्ता और भोगता तो हूं ही। तो अंदर से तर्क और आगम के आधार पर एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि टूट जाने पर भी मिथ्यात्व के जोर से, दर्शन मोह के उदय से, इसके अंदर से उसमें की कर्तृत्व बुद्धि के बहाने वो अपना संबंध उससे कायम रखना चाहता है। इसके लिए आचार्य को 75 गाथाओं का कर्ता कर्म अधिकार लिखना पड़ा। समय सार में सबसे बड़ा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है, ये और सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन ये कर्तृत्व तो नहीं छोड़ सकता है। अभी थोड़े उदाहरण को अपन अभी अभी तक बाप बेटे पे उलझे रहे, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। टोडा मल हमारा ट्रस्ट है ना, अब इसमें कोई जो ट्रस्टी है कोई भी जो है, अब वो ऐसा मानता है कि मेरा है नहीं हूं, मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई अलग चीज है मेरे से, क्यों है अपन कहते नहीं कहते, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि मैं ही हूं मेरा ही है। भाई साहब इस धोखे में मत रहना,
ये आपका नहीं है, ये तो सारी समाज का है, ये संपूर्ण मोक्षु समाज का है और संपूर्ण जैन समाज का है। बोलते नहीं बोलते, आप कैसी बात करते हो कि आपका है? चलो तुम्हें अदालत में रजिस्ट्री दिखा देते हैं कि मैं टेस्टी तो हूं। तो टेस्टी का अर्थ समझते हो, क्या है टेस्टी का अर्थ? टेस्टी का अर्थ है झाड़ू लगाने का अधिकार। इसकी जो भी संपत्ति है उसका उपयोग तुम अपने पांच इंद्रियों के विषयों के लिए रंच मात्र भी नहीं कर सकते। क्यों? जिन लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया है, मैंने विश्वास किया है, और उनने जिस उद्देश्य से वो पैसा दिया है उस उद्देश्य की पूर्ति करना तुम्हारी ड्यूटी है, है कि नहीं? ट्रस्टी का क्या काम है कि जिन्होंने इस ट्रस्ट को स्थापना की है उन्होंने जिस भावना से इस ट्रस्ट की स्थापना की है, ये स्मारक भवन बनाया है, ये बनाया है कि यहां इसमें आत्मा परमात्मा की चर्चा गूंजती रहे, इसमें समय सार गूंजता रहे। क्यों? इसी भावना से बनाया ना। अब क्या समय सार सुनने के लिए तो लोग आते ही नहीं, जैन धर्म पढ़ने के लिए तो कोई बच्चे मिलते ही नहीं है, तो कहीं ऐसा ना करो कि यहां पर एक कॉन्वेंट खोल दो तो बहुत अच्छे बच्चे आएंगे और बहुत लोग आएंगे। क्यों कर सकते हो आप टेस्टी? ये कर सकते हो, ईमानदार टेस्टी हो तो कर सकते हैं। नहीं साहब, हॉल भरा रहेगा। अमिताभ बच्चन का कार्यक्रम शुरू कराओ, जगह नहीं मिलेगी खड़े होने की। पंडित हुकुमचंद की छुट्टी करो। क्यों? खाली खाली पड़ा रहता है। ये सही है? नहीं, तेरे को अधिकार नहीं है। आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, दो आए चार आए, लेकिन यहां गूंजेगा तो समय सार ही। यह टेस्टी कार्ड समझता है तू? जो जिस भावना से उन्होंने ये काम किया है और तेरे पर विश्वास किया है, इसलिए तेरे को टेस्टी बनाया कि मैं मर भी जाऊं तो तू इस काम को ऐसे ही करते रहना। क्यों? यदि तू उससे जरा भी हिलता है तो तू टेस्टी ही नहीं है। कानून टेस्टी होगा तो होगा, तूने टेस्ट खो दिया है, विश्वास खो दिया। बोल, टेस्टी का समझता है ना कि तुझे वो ही करना है कि साहब मैंने मान लिया ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, लेकिन आपने इतना रखा तो मेरी जान में जान रह गई कि करना तो मेरे को ही है ना, और आज तक भी मैंने ही किया है ना, खड़े रह रहे करके एक एक ईंट लगाई है, ये पत्थर टेढ़ा क्यों लग गया, उसको सीधा करवाया है। क्यों? कैसा, क्या बात करते हो? हमने कोई पाप किया? हमने सारी जिंदगी इसमें लगा दी और एक एक पत्थर को ढंग से लगवाया है और आप कोई कीमत ही नहीं करना चाहते हो? अरे कोई एक आदमी जरा सी सलाह दे दे और कुछ नहीं तो वो भी उससे हम करने लगता है और वो भी अधिकार मांगने लगता है, मैंने ये किया मेरे को भी कुछ होना चाहिए, क्यों मेरी भी कुछ चलनी चाहिए। कुछ नहीं, उसने मन से ही कुछ किया हो। एक आध वाक्य बोल, हम तो आपके सपोर्टर हैं, गांव गांव में आपके पीछे लड़ते हैं, कोई आपके बारे में एक शब्द बोल दे तो हम उससे लड़ पड़ते हैं। क्यों? एक दो वाक्य सपोर्ट के बोल दिए होंगे, वो उसकी कीमत हमसे वसूलना चाहता है। क्यों बोला? उसने बोले गालियां देने देते ना आप सुरेंद्र कुमार जी, गालियां देने देते ना, ऐसा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ क्यों? अच्छी बात का विरोध कोई क्यों करे, और आप ये सज्जन आदमी का विरोध क्यों करे? तो आपको अच्छी बात का विरोध बर्दाश्त नहीं हुआ ना, इसीलिए किया ना आपने। तो हम तो क्या कर रहे गांठ रहे हो, हम तो आपके लिए मरते हैं और आप हमारी कोई सुनते ही नहीं। इतनी इतनी बात पर हम कितना कितना अधिकार चाहते हैं, बोलो। तो जिस आदमी ने मान लो सारा जीवन लगा दिया हो और उसको वो थोड़ा कहता है कि मेरा अधिकार रहने से तो आपके पेट में दर्द होता है, आचार्य कहते हमारे पेट में दर्द नहीं होता है,
तेरे पेट में अनंत काल तक दर्द नहीं रहे, हम तो उसका इलाज कर रहे हैं। तू बहुत धोखे में है कि तूने कुछ किया है। एक एक परमाणु स्वतंत्र है, तूने कुछ किया ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है, समस्या ये नहीं है कि जिसने किया है उसे श्रेय देना कि नहीं देना। विचार का बिंदु तो यह है कि उसने कुछ किया है कि नहीं किया है। आपने अभी तो कहा था तस्वीर तो कर तो सकते हैं। तो एक कर तो सकते हैं इस बहाने इस बात को अंदर से उसे सुरक्षित रखना चाहता है अज्ञान को, कि मेरा नहीं है लेकिन किया तो मैंने है और करूंगा तो मैं। क्यों होता क्या नहीं होता? चलेगी तो मेरी चलेगी कि आज तक तो साहब मेरी चली है, तेरी रंत मात्र भी नहीं चली। क्या सुनो ना, ये तो जगत का जो प्रणमन जैसा होना था वैसा हुआ है। तो ये जो कर्तृत्व के बाने के नीचे जो उस पर स्वामित्व रखना चाहता है, ये उसी का निषेध है। तो ठीक है करो, करना तो मेरे ही हाथ में रहा। एक मील थी किसी सेठ की, तो गवर्नमेंट ने वो उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया, अपने कब्जे में ले ली। और फिर कहा कि सेठ जी आप घबराओ नहीं, आप इसी का मैनेजमेंट आप ही करेंगे, और एक बंगला है ना इसी में आप रहेंगे, और कोई भी आदमी जैसी आपकी आज्ञा चलती रही ना आज तक, वैसी ही आज्ञा कल तक भी चलेगी, और इस मील को इसी तरह चलाना है, और आपकी सुख सुविधाओं में कोई फर्क नहीं आएगा। खाने पीने में उन्हें मोटर गाड़ियां जितनी खरीदने हो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, खूब खरीदो, पेट्रोल जलाओ, जो भी करना हो करो। होता क्या नहीं होता है ऐसा? बस तो लिया क्या है कि स्वामित्व तुम्हारा नहीं रहा, स्वामी इसका भारत सरकार नहीं है। क्यों? लेकिन जो कहता नहीं साहब, अब तो हम मजदूर रह गए, अब हम मालिक थोड़ी हैं। लेकिन कुछ लोग संतोष करते हैं कि चलो सब कुछ है तो हमारे हाथ में, ये तो कागजों में होगा कि हमारा है कि नहीं है। मजदूरों के सामने माथा ऊपर करके तो हम चल सकेंगे, क्योंकि तो मेरी आज्ञा के बिना तो कुछ होगा नहीं ना। तो ऐसा कर्तृत्व के बहाने स्वामित्व को कायम रखना चाहता है। तो फिर बोलो कि हम करें कि नहीं करें, क्या करें आप बताओ। कि सवाल समय सार इस बात पर विचार नहीं करता है कि तुम करो कि नहीं करो, ये तो करुणानियोग के खाते में है, वो बताएगा क्या करो क्या नहीं करो। ये द्रव्यानियोग है, ये द्रव्यानियोग ये नहीं बताता है कि तुम क्या करो और क्या नहीं करो, वो तो ये बताता है कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। यहां कर्ता कर्म अधिकार का विचार का बिंदु ये नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्ता कर्म अधिकार के विचार का बिंदु तो ये है कि तू पर में क्या करता है, यानी कुछ करता ही नहीं है आज तक तेरा पर में, तूने कुछ किया ही नहीं है। किया के नहीं किया, कर सकता है कि नहीं कर सकता, मुद्दा इस बात का है। करना के नहीं करना इस बात का मुद्दा नहीं है, ये समझ लेना। समय सार है का शास्त्र है, चाहिए का शास्त्र नहीं। ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये समय सार कट्टी भाषा नहीं है। समय सार तो ये कहता है कि ऐसा है और ऐसा नहीं है। क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वाली बात नहीं है, वो तो ये कहता है एक द्रव्य के दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार पड़ी है, वो उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता, वो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। फिर तुमने कहा कि अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि कर नहीं सकता है, अब हम क्या करें, करें या नहीं करें। यदि तूने ये मान लिया होता कि कर ही नहीं सकता है तो करें या नहीं करें इसका प्रश्न ही कैसे खड़ा होता तेरे दिमाग में। तूने बातों में माना है, वास्तव में माना नहीं है।
तो मैंने आज तक जो इतना किया है उसका कुछ नहीं, क्या किया तूने? यही तो हम कह रहे हैं कि जब तूने कुछ किया ही नहीं तो फिर उसकी कीमत मांगने का सवाल कहां से खड़ा होता है? ये समस्या का निर्णय करना है कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, किनके बारे में बात चल रही है? किनके बारे में बात चल रही है? कि व्यवहार से जिनका कर्ता आपने को कहा था, तो कहां से लेना? स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर ग्राम देश, वहां तक। मैंने देश का कुछ नहीं किया, मैं देश का कुछ नहीं कर सकता, मैं समाज का कुछ नहीं कर सकता, मैं परिवार का कुछ नहीं कर सकता, ख्याल में है ना? ये स्वामी जी का प्रवचन होता था राजकोट में, वो राजकोट में 15 दिन के लिए जाते थे हर साल, और वहां बंधाधिकार चलता था, और जिस बंधाधिकार में ये बहुत डंके की चोट बात आई है कि वो आयु से मरण हो, ये बाप जन बनने कहीं कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, बता नहीं सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता, ये प्रकरण चल रहा था। और राम जी भाई थे ना, तो राम जी भाई बहुत बड़े वकील थे, और उनके शिष्य थे ढेवर साहब, उन्हीं के असिस्टेंट काम करते थे उनके अंदर में वकालत में, यूएन ढेवर जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और गांधी जी भी उनसे सलाह करने आते थे, कोई कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती थी। तो सुना गए राम जी भाई से मिलने आए गांधी जी, तो कहा गए किसी संत का प्रवचन सुनने गए हैं, तो मैं भी सुनूंगा, जब तक मुझे मिलना तो है ही, 1 घंटा का समय है। तो वो कांजी स्वामी के प्रवचन में गांधी जी पहुंच गए, और वहां ये प्रकरण चल रहा था, कोई किसी का करता नहीं, तो उन्होंने कहा जो लोग ये कहते हैं कि मैं देश का उद्धार करूंगा, समाज का उद्धार करूंगा, मुझे ये सुधारना है, मुझे ये करना है, ये करना है, वे मूढ़ है, अज्ञानी है, गाथा आती ना, सो मूढ़ो अज्ञानी रानी ए दो दो। 1 घंटे तक ऐसा व्याख्यान हुआ, और गांधी जी चुपचाप सुनते, गांधी जी तो यही समझे कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, इस आदमी को ये मालूम पड़ गया कि मैं यहां आया हूं, तो ये सारा व्याख्यान मेरे ऊपर ही हो गया है, और मेरे को मूर्ख होगा ज्ञानी, सारा अपने माथे पर। अब राम जी भाई के पास वो दूसरे तीसरे दिन आए, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे ये गुरु जी थे कहां से? कौन? कि जो मुझे मूर्ख कहते थे, मुझे मूर्ख कहते थे, उनका व्याख्यान सुनना है। तो मेरा साहब कैसी बात करते हो, आपको उनने कुछ नहीं कहा, वो तो उनका रोजीना का व्याख्यान है। रोजीना का है ये बात, मेरे को स्वयं स्वामी जी ने सुनाई। एक जामबुड़ी में था, उनका कार्यक्रम में भी साथ में था, ऐसा घटित हुआ, प्रचन में भी वो कई दफे कहते थे, और वो ये भी कहते थे मैंने उनके लक्ष्य से कुछ भी नहीं बोला था, मुझे तो ध्यान भी नहीं गया कि कोई आदमी यहां कर एक जो देश का इतना बड़ा महान व्यक्ति है वो यहां आगे बैठ गया है, मैं तो सहज भाव से जो प्रवचन कर रहा था वैसा प्रवचन। गांधी जी तो बहुत मन कसाई जीत थे ना, और कोई दूसरा नेता होता तो वहीं अकड़ पड़ता, वहीं बोलने लगता, जाने वो झगड़ा कर देता, और उस वक्त नहीं करता तो बाद में तो करता ही। लेकिन उनके हृदय में एक जिज्ञासा जगी कि ऐसी बात कहने वाला भी कोई इस जगत में है तो मुझे उस बात को और गहराई से सुनना समझना चाहिए, ऐसी पात्रता उनमें थी। आज हमारे जैनियों में भी इतनी पात्रता कहां है कि समय सार की बात सुनने की पात्रता नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं एकत्वमत्व की बात, ये तो कदाचित लोगों के गले थोड़े उतर भी जाए, क्योंकि 12 भावनाओं में खूब पड़ा है उसमें ये कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, लेकिन मैं किसी का भला बुरा नहीं कर सकता हूं और कोई मेरा भला बुरा नहीं कर सकता है, ये तो 99% जैनियों के गले उतरने वाली नहीं है। ये बात जो सुनेंगे ना उनके भी चित्त में विरोध का भाव जगेगा, और गांधी जी जैसे श्रोता भी कितने होंगे जब वो ये गंभीरता से सोचें कि ये आदमी कोई कह रहा है कुछ, और यदि कुंद आचार्य कह रहे हैं तो एक दफे में गहराई से सोचूं तो इस बात में कितनी दम है, वस्तु के स्वरूप के नजदीक जाके देखूं, और कम से कम मेरा दिगंबरों से ये कहना है
कि कुंद कुंद तो उनके सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, तो उन कुंद कुंद की ये वाणी है कि नहीं, इस बात पर तो विचार करें। इसे पंडित हुकुमचंद की वाणी समझ के रिजेक्ट मत कर देना। रिजेक्ट करना हो तो कुंद कुंद की समझ के करना, और मानना हो तो कुंद कुंद की समझ के मानना। सचमुच कुंद कुंद कह रहे हैं कि पंडित हुकुमचंद कह रहा है, इस बात पर गहराई से विचार कर लेना। और कुंद कुंद की नहीं महावीर की वाणी है, महावीर की नहीं अनंत तीर्थंकरों की वाणी है, जिन्होंने समोसन में बैठकर सौ इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में इस बात को कहा था। इस गंभीरता से इस बात को सुने, समझें और विचार करें, और फिर विचार करने के बाद ना जते तो रिजेक्ट कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट सुनते कान में पड़ते ही रिजेक्ट कर दें, उसका मतलब है उनका अभी अनंत संसार बाकी है, संसार सागर में ही रखना है, अन्यथा ऐसी बड़ी भूल उनसे होती नहीं। क्योंकि ये बात जो काने पड़ना दुर्लभ है, उसके कान में भी पड़ गई और फिर भी वो रिजेक्ट कर देता है, गंभीरता से विचार नहीं करता है, तो समझ लेना उसका अभी अनंत संसार बाकी। जो आज तक हमने किया सब बेकार है, तो हम कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात तो भाई ऐसी है। मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे माथे पर जो बाल है ना, ये बाल का भी कुछ तुम नहीं कर सकते हो, सारे शरीर का और सारी दुनिया का बात तो जाने दो। मैं पूछता हूं कि आपके जो बाल काले से सफेद हो गए, वो आपकी परमिशन लेके हुए हैं? गोर बदन सिंह, यदि आपसे वो परमिशन लेते तो आप परमिशन देते? हाँ हो जाओ कोई बात नहीं, बुढ़ापे में सफेद ही अच्छे लगते। मैंने अच्छे अच्छे बुढ़े लोगों को देखा है, 80-80 वर्ष के बुढ़ों को देखा है, हैं कि इन्हें काले करते हैं, क्या लगाते खिजाब लगाते, क्या करते क्या बोलते उसे, इनको काला करने के चक्कर में चाहे मोह ही काला क्यों ना हो जाए, लेकिन इन्हें काला करते छुपते तो है नहीं, 10-5 दिन में अंदर से उगते हैं तो सफेद उगते हैं, तो वे दिख तो जाते हैं कि हैं तो ओरिजिनल कैसे हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि उनने जो ये काले किए, इससे एक बात तो साबित हो गई कि वो इन्हें काले रखना चाहते हैं, सफेद नहीं होने देना चाहते हैं। करना क्या नहीं करना, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना, जो तुम्हें जैसे हो करना। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि तुम नहीं चाहते हो गए सफेद हो जाएं, और बिना तुम्हारी परमिशन के सफेद हुए हैं, एक बाल पे तुम्हारी नहीं चलती। आप क्यों चिंता करते हैं रंजन जी, आप ये सफेद हो गए तो लोगों के तो गायब ही हो गए। इस बाल को तुम्हारे माथे पर जब तक सवार रहना है तब तक सवार रहेगा, तुम उसे हटा नहीं सकते, और जब जाना है तो एक सेकंड को रोक नहीं सकते कि भाई साहब कल चले जाना, आज तो रहने दो, आज तो मेरे बेटे की शादी है, आज ही तुम साफ हो जाओगे दुनिया क्या देखेगी, तो तुम कल जो कुछ हो सो हो जाते हैं। क्यों बाबू साहब, एक बाल पर तेरा नहीं चलता है, अब तुम्हें मैंने ऐसा किया, ये मानते हैं ना, ये आंख फड़के पुरुषों की दाई आंख फड़के तो शुभ होती है, और बाई फड़के तो अशुभ। क्यों? और महिलाओं की दाई फड़के तो शुभ और बाई फड़के अशुभ, मानते कि नहीं मानते? अब तुम्हारी बाई आंख फड़क रही है, गड़बड़ होने वाली है। मेरी बाई आंख फड़क रही तो तेरी है ना? कि हां मेरी है, तो क्यों फड़कने देता, बंद कर दे। पर दाई अच्छी है तो दाई को फड़का दे, कर सकता है? तो फड़कती आंख को रोक नहीं सकता, जो फड़कती नहीं है उसे। आंख में आंसू आते हैं ना,
तुम ले आओ जरा अब यहां आंसू लाओ। बहुत कोशिश करने पर भी नहीं आते, जब हम चाहते हैं तब नहीं आते हैं, और जब नहीं चाहते हैं तब तपातप गिरने लगते हैं, कितनी कोशिश करें तो रुकते नहीं। तो एक आंसू पर तो तेरा कंट्रोल है नहीं, क्यों? पुरुषों की एक प्रकृति होती है कि भले ही उनके हृदय में कितना ही दुख हो, आंख में आंसू आए, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि दुनिया देखे कि उसकी आंख में आंसू है। इसलिए आएंगे तो फटाफट बाथरूम की तरफ भागेगा और मुंह धो धोआ करके जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तब वहां से निकल के आएगा। सगा बाप भी मर गया हो तो भी वो ये नहीं चाहता है कि मेरी आंख में आंसू है, दुनिया देखे, क्योंकि उससे उसके पौरुष को धक्का लगता है। वो समझता है कि मेरा जो धैर्य होना चाहिए पुरुष में, तो वो धैर्य की कमी साबित होती है, तो उसे बर्दाश्त नहीं है कि दुनिया ये जाने के मैं रो रहा था। कितना ही रोए लेकिन वो ये नहीं चाहता कि दुनिया जाने के, पुरुष की प्रकृति है, ख्याल में है ना, तो वो नहीं रोक सकता है। और महिलाओं की ऐसी प्रकृति है कि आंसू ही उनके हथियार हैं। सबसे बड़ा हथियार आंसू का ही उनके पास है, तो कभी कभी नहीं आ रहे हो तभी वो लाना चाहती है कि नहीं लाना चाहती है। तो 80 वर्ष की हो और 3 साल से खटिया पर पड़ी हो, वहीं खाना पीना निवटना होता हो और सारी सेवा बहू को ही करनी पड़ती हो, क्यों? और मुश्किल से मर है, कंडा छूटे तो रोना तो आता नहीं है, लेकिन बैठने वाले आए तो रोना तो चाहिए, क्यों? तो आंसू आए नहीं तो क्या करें। पुराने जमाने में तो एक सुविधा थी कि घूंघट डाल लिया तो पता ही नहीं चले, आवाज कर दो सुविधा नहीं थी, क्यों? अब क्या करें, तो समझ गए ना, जब आंसू हम लाना चाहते हैं तब आते नहीं, जब नहीं लाना चाहते हैं तो रुकते नहीं है। तो एक आंसू पर भी तो तेरा हक है नहीं। एक एक चीज पर तू विचार करके तो देख, जिसको तूने मानता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तू शरीर के स्वास्थ्य पर विचार करके देख। जब तू पैदा हुआ था, जब तू 2 महीने का था, तो तू अपने स्वास्थ्य की क्या चिंता करता था? क्यों? जो कुछ मिला वो खाया पिया जा कुछ। जब तूने बिल्कुल चिंता नहीं की अपने स्वास्थ्य की, तब दिन तूना रात चौगना बढ़ा, है ना? 5 वर्ष का हो गया तो धूप में, पानी में, धूल में, मिट्टी में, चाय जहां खेलता था, जो चीज मिलती वो खाता था। मां बहुत रोकती, बहुत करती, बीमार हो जाएगा, जो हो जाएगा, लेकिन कभी परवाह नहीं की, क्यों? और बढ़ता ही गया। जब 20-25 वर्ष का हुआ तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा कॉन्शियस हुआ, सावधान हो गया, बढ़ना बंद, क्या हो गया? जब तूने चिंता नहीं की तब बढ़ता था, जब तू चिंता करने लग गया तो इसका बढ़ना बंद हो गया, और 60-62 वर्ष का हो गया। एक ही काम है, 1 पॉइंट प्रोग्राम, सुबह 5 बजे से उठकर घूमना, चलना, फिरना है, दवाइयां मुवाइयां सब एक ही कार्यक्रम है, स्वस्थ रहने का। और दूसरा कोई कार्यक्रम है? प्रतिदिन 8:30 हो तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्यों? आत्मा के कल्याण के लिए 8:30 बहुत जल्दी होता है, देह के स्वास्थ्य के लिए 5:30 देर नहीं होती, उसके भागता है कि नहीं भागता है। 8:30 सर्दी बहुत है आजकल, 8:30 ज्यादा होती होगी, 5:30 कम होती होगी। तो एक ही प्रोग्राम रह गया अकेले, स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य, और कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है। तो रोजाना रोजाना छीण से छीण होता जाता है, तेरे रखने से रखता है और तेरे संभालने से संभलता है, ऐसा है ही नहीं। इसका एक क्रम है, जो गेहूं के पौधे का एक क्रम है, जब वो पैदा होता है अपने क्रम से बढ़ता है, अपने क्रम से हरा से पीला होता है, फलता है,
फूलता है और सफेद होकर सूख करके 100 दिन में समाप्त हो जाता है। उसके 100 दिन का क्रम है तो मनुष्य देह का 100 वर्ष का क्रम है। अपने क्रम से बढ़ती है, अपने क्रम से बढ़ना रुक जाता है, अपने क्रम से पकना शुरू हो जाता है, अपने क्रम से खिल जाती है। तेरा किया उसमें कुछ भी नहीं है। तू गहराई में जाकर के देखे तो जहां जहां तूने अपना कर्तृत्व स्थापित कर रखा है वहां कहीं भी तेरा किया कुछ भी होता नहीं है। और समाज का तो यह नियम है, दुनिया का यह नियम है कि जहां अपनी कुछ नहीं चले वहां माथा नहीं मारना। होता कि नहीं होता? हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? मंदिर में पंचायत होती है। एक दिन ऐसा था कि आप ही सब करता भरता थे, सर्वे सर्वा थे, आप जो कहते थे सब लोग मान लेते थे एक सेकंड में। वही होता था। आवाज ऐसी पोजीशन आ गई है कि आपकी कोई सुनता ही नहीं। क्यों? होता कि नहीं होता? आप बोलते हो तो फिर चलो चलो अभी तो बाद में देखेंगे, आप अपनी बात करो। क्यों? फिर आप लड़ते हो, झगड़ते हो, क्योंकि आपकी तो पुरानी आदत पड़ी है, आपकी चलनी चाहिए, आपकी नहीं माने कोई तो आप आगे बूढ़ा हो जाते हो। तो आपकी पत्नी भी आपको उपदेश देती है, पंडित की जरूरत नहीं है, समयसार की जरूरत नहीं है, काय को वहां जाते हो, क्या जरूरत है वहां जाने की, जब तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं है, जब तुम्हारी कोई चलती ही नहीं है, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो काय को जाते हो वहां मरने के लिए, अपमान कराने के लिए? बोलते कि नहीं बोलते? सोने का अर्थ क्या है? तुम्हारी कोई सुने, तुम्हारी चले, तुम कुछ कर सको तो जरूर जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे जाने का निषेध नहीं है, लेकिन तुम्हारी चलती नहीं है तो क्यों? इसका मतलब जहां हमारी चलती नहीं है, जहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां नहीं जाना चाहिए। तो क्या करूं? घर में बैठ। क्या बोलते? घर में नहीं बैठ सकते? शास्त्र पढ़ो, आत्मा का ध्यान करो। क्या करो? तो काम नहीं है कुछ। तो ऐसे ही जब हमको ये पता चल जाए कि परद्रव्य में हमारी विंत मात्र भी चलती नहीं है, परद्रव्य में हम कुछ भी कर सकते नहीं हैं, ये पक्का भरोसा हो जाए तो फिर हम क्या करें? क्या करें? अपने घर में बैठो, अपने आत्मा का ध्यान करो। और क्या करो? क्यों? वो कर सकते हो वो करो। तो ऐसा एक दफे दृष्टि में आ जाए कि पर ना मेरा है, ना पर मैं हूं, ना मैं पर का करता हूं, ना मैं पर का भोगता हूं, ऐसा अंदर में एक बार दृढ़ संकल्प आ जाए, ध्यान में है ना, तो निश्चित रूप से इसकी दृष्टि पर पदार्थ से हटकर स्वभाव के सन्मुख होगी, अपनी आत्मा की तरफ होगी। तो उसको आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन और आत्मा का ध्यान यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति अवश्य होगी। होगी शेष कल जल में गए वाले साए दिन वाली शांति सुधा।
सागर रे राय